हाय स्टूडेंट्स, आपको जो नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर ग्राफिक्स में पढ़ना है वो है आपका डिस्प्ले डिवाइसेस। हमने पिछले लेक्चर में पिक्सल और इमेज रेजोल्यूशन के कॉन्सेप्ट को डीपली लगभग आधे घंटे में डिस्कस किया था। क्या होता है पिक्सल, किस प्रकार के से पिक्सल के अलग अलग यूनिक वैल्यू होते हैं, एक पिक्सल में हम लोग कितने कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, आरजीबी की वैल्यू क्या होती है। उसके बाद हमने देखा अगर हम रेजोल्यूशन किसी इमेज की बढ़ा दे तो क्या होता है, घटा दे तो क्या होता है। इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत ही जरूरी है, उसके बाद आप आगे मूव करें। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप डिस्प्ले डिवाइसेस पे स्टूडेंट मूव करें। अगर आप डिस्प्ले डिवाइसेस की बात करें तो आपके जो सिलेबस है स्टूडेंट एसपीटी बिहार का, उसमें ओनली दिया हुआ है आपको कैथोड रे ट्यूब पढ़ने के लिए और देन कलर सीआरटी मॉनिटर को पढ़ने के लिए। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरेटिकली, वो लगभग आपसे सारे डिस्प्ले डिवाइसेस से पूछ दिए जाते हैं। तो हम लोग इन सभी डिस्प्ले डिवाइसेस को भी थ्योरेटिकली थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हुए चलेंगे। लेकिन जो कैथोड रे ट्यूब है आपका, इसको आपको इंटरनल मैकेनिज्म के साथ समझना है, किस प्रकार से कैथोड रे ट्यूब में जो हमारा लाइट होता है वो प्रोड्यूस होता है, तब हमें इमेज विजुअलाइज होता है। इंटरनल मैकेनिज्म, इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, ठीक है। देन हम लोग समझेंगे सीआरटी जो होता है स्टूडेंट, वो दो टेक्निक का यूज करता है कलर को जनरेट करने के लिए, कलर बोला जाए या लाइट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो दो टेक्निक्स यूज होते हैं वो होता है आपका फर्स्ट रैंडम स्कैन और दूसरा होता है आपका रास्टर स्कैन। ये दो टेक्निक्स है किसके, सीआरटी के टेक्निक्स है, ठीक है। तो हम लोग रैंडम स्कैन को समझेंगे, देन रास्टर स्कैन को समझेंगे और उसके बाद कलर सीआरटी को समझेंगे, देन हम किसी दूसरे डिस्प्ले डिवाइसेस पे मूव करेंगे। तो आज हम लोग सिर्फ कैथोड रे ट्यूब को समझेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रैंडम रास्टर समझेंगे। तो आइए मूव करते हैं कैथोड रे ट्यूब की ओर। तो सीआरटी का फुल फॉर्म तो आपको एकदम याद रखना है, सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब, ये आपसे 1 मार्क्स के एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सीआरटी इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन ट्रेडिशनल कंप्यूटर मॉनिटर्स एंड टेलीविजन्स। सीआरटी क्या है, कैथोड रे ट्यूब एक टेक्नोलॉजी है जो कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर मॉनिटर्स या टेलीविजन्स वगैरह में यूज होते थे, है ना। अगर आपके पास पुराना टेलीविजन होगा कोई, तो आप देखिएगा पीछे में क्या होता था, ऐसे वी शेप का ऐसे निकला हुआ रहता था, है ना। तो वो जो रहता था स्टूडेंट, वो ग्लास का रहता था, फनल शेप का वो जो रहता था, इलेक्ट्रॉन बीम उससे जनरेट होता था। और क्या कॉन्सेप्ट होता था हम लोग अभी समझते हैं, ठीक है। या आप ओल्डर मॉनिटर्स देखिएगा या हॉस्पिटल में मेनली चले जाइए तो वहां आपको आज भी देखने को मिल जाएंगे सीआरटी, ठीक है। सो द इमेज ऑन सीआरटी इज डिस्प्ले इज क्रिएटेड बाय फायरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बैक ऑफ द ट्यूब ऑफ फॉस्फोरस लोकेटेड टुवर्ड्स द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन। यानी कि सीआरटी में जो डिस्प्ले होता था वो किस प्रकार से होता था, इलेक्ट्रॉन्स को फायर किया जाता था ट्यूब के बैक से, किसकी ओर, फॉस्फोरस की ओर, जो कि स्क्रीन के टुवर्ड्स यानी स्क्रीन पे फॉस्फोरस होते थे। कैसे हम लोग समझते हैं डायग्राम से, वंस द इलेक्ट्रॉन हीट्स द फॉस्फोरस, जब आपका इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को हीट कर जाता था, दे लाइट अप, तो वो क्या करते थे, लाइट करते थे, एंड दे आर प्रोजेक्टेड ऑन अ स्क्रीन, और उसे स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया जाता था। द कलर यू व्यू ऑन द स्क्रीन इज प्रोड्यूस्ड बाय ए ब्लेंड ऑफ रेड ब्लू एंड ग्रीन लाइट, है ना। जो कलर आपको स्क्रीन पे दिखता था वो तीन कॉम्बिनेशन से बेसिकली जनरेट होता था, रेड ब्लू और ग्रीन से, जिसके कॉन्सेप्ट को हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया। तो सीआरटी को हमने यहाँ पे थ्योरिटिकली देखा, सीआरटी को आइए हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं, यानी कि इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म होता है वो किस प्रकार से वर्क करता है। तो देखिए आप लोग टीवी के अंदर जरूर देखे होंगे, पुराना टीवी के अंदर कुछ इस प्रकार का होता था, जब भी आप लेके गए होंगे किसी भी जो भी ठीक करने वाला होता है इलेक्ट्रीशियन के पास, तो आपने देखा होगा एक फनल शेप का रहता था ग्लास ट्यूब, ठीक है। सबसे लास्ट में स्टूडेंट जो बैक में होता है, यहाँ पे क्या होता है आपका, ये जो बेस है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन लगे हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन गन, या आप फायरिंग भी बोल सकते हैं, यहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रॉन आपका फायर होता है, यानी यहां से आपका इलेक्ट्रॉन, मैं कलर चेंज करूं, अगर
यहां से आपका क्या हो रहा है स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन यहां से जेनरेट हो रहा है, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन को फायर किया जाता था। नाउ अब इसके आगे एकदम ध्यान से समझते जाना, ये क्या है, फोकसिंग सिस्टम लगा हुआ है, कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज है, ये क्या है, कंट्रोल ग्रिड वोल्टेज है जो कि ग्रिड के वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। फोकसिंग सिस्टम क्या करता है स्टूडेंट, इसका मेनली वर्क क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आप यहां से इलेक्ट्रॉन को फायर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को फायर कर रहे हैं, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर उधर मे भी क्या इधर उधर मूव करेगा ही, लेकिन हमें क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को हमें इस फास्फोरस स्क्रीन के पास भेजना है, यानी हमें कहना है कि मूव करो लेकिन इस डायरेक्शन में मूव करो। इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, फोकसिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो कि क्या करता है, इसे क्या करता है, मजबूर करता है, यानी एक तरह से इसे फोर्स करता है कि ये इस डायरेक्शन में मूव करे, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इस डायरेक्शन में आते हैं। यहां तक हो गई बात। अब उसके आगे लगा हुआ है आपका एक्स डिफ्लेक्ट, ये आपका हो गया स्टूडेंट एक्स डिफ्लेक्ट, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा कुछ इस तरीके का है, ठीक है, और जो आपका वाई डिफ्लेक्ट है स्टूडेंट वो कुछ इस तरीके का है, ये आपका वाई डिफ्लेक्ट है, ध्यान देना एकदम, ये आपका वाई डिफ्लेक्ट है, ठीक है, यानी एक्स डिफ्लेक्ट और वाई डिफ्लेक्ट इसका क्या मतलब है, तो समझिए स्क्रीन पे जो आपको विजुअल होता है, स्क्रीन पे मान लीजिए मुझे क्या करना है, यहां पे एक पिक्सल है या एक डॉट है जिसे मुझे किसी कलर से क्या करना है, ब्राइट करना है, तो इस पिक्सल के पास कैसे मैं पहुंचूंगा, तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन आपका फायर हुआ, उसके बाद फोकसिंग सिस्टम क्या कर रहा है, इसे इधर जाने के लिए फोर्स कर रहा है। नाउ अब जो आपका एक्स डिफ्लेक्ट होता है स्टूडेंट, वो यहां से इस प्रकार से इस इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट करता है ताकि ये उसी जगह एक्स डायरेक्शन में जाए जहां पे इसे ब्राइट करना है। जैसे अगर मैं इस पिक्सल की बात करूं तो ये क्या है बताइए, अगर ये आपका जीरो है यानी कि ये एक्स में राइट साइड में है, एक्स में क्या है राइट साइड में, और वाई में क्या है टॉप साइड में, थोड़ा सा टॉप में है ना, कह सकते हैं हम लोग एक्स में राइट में है और वाई में टॉप में है, यानी कि इसे क्या करना है, एक्स डिफ्लेक्ट क्या करेगा इसे, ये जो एक्स डिफ्लेक्ट आपका आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, मैं अगर दूसरे कलर से इसे करूं तो ये देखिए ये आपका एक्स डिफ्लेक्ट है, ये यहाँ पे एक है और एक आपका ये यहाँ पे एक्स डिफ्लेक्ट, तो ये एक्स डिफ्लेक्ट क्या करेगा स्टूडेंट, ये एक्स डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, यानी कि ये आइदर ये आपके राइट साइड में या आपके लेफ्ट साइड में ये क्या करेगा, इस प्रकार से डिफ्लेक्ट करेगा कि ये राइट या लेफ्ट में आपका मूव करे, तो यहां पे हमें राइट में करना है तो ये क्या करेगा राइट में डिफ्लेक्ट करेगा, तो ये राइट में आ गया। अब वाई डिफ्लेक्ट क्या करेगा, वाई डिफ्लेक्ट इसे वाई डायरेक्शन में टॉप की ओर मूव करेगा, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा था, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हमारा यहां से देखिए ये आ रहा था, एक्स ने क्या किया इसे इस प्रकार से डिफ्लेक्ट किया कि ये क्या हो गया थोड़ा सा राइट की ओर चला गया, ठीक है, थोड़ा सा लेफ्ट, सॉरी ये इस साइड लेफ्ट हुआ तो ये लेफ्ट की ओर चला गया, ठीक है, और आपका वाई ने क्या किया इसे थोड़ा सा टॉप की ओर मूव कर दिया, यानी ये इलेक्ट्रॉन आपका यहां से सीधा ना जाके थोड़ा सा ऐसे चला गया और यहां पर आपका ये जो पिक्सल था ये ब्राइट हो गया, ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ क्या होता है आपका कॉन्सेप्ट यूज होता है और डिफरेंट पिक्सल मिलके एक पिक्चर को क्रिएट करते हैं, आपको ये चीजें मालूम है, तो इस प्रकार से आपका कैथोड रे ट्यूब का इंटरनल मैकेनिज्म वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स है स्टूडेंट, ये तो आपने फिगर देख लिया, इस फिगर को एग्जाम में बनाना बिल्कुल जरूरी है अगर आपसे पूछा जाता है तो, लेकिन आपको साथ में इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में भी लिखना होगा, तो आइए कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। तो कंपोनेंट्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन गन होता है, जो क्या होता है ये सेवरल एलिमेंट्स से मिलके बना हुआ होता है, मींस क्या, मेनली अ हीटिंग फिलामेंट, हीटर होता है और कैथोड होता है, यहाँ पे ये आपका जो इलेक्ट्रॉन गन है, ठीक है। नेक्स्ट है फोकसिंग एंड एक्सेलरेटिंग एनोड्स, दीज एनोड्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अ नैरो एंड शार्पली फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो यहाँ पे फोकसिंग आपको दिख रहे हैं ये क्या होते हैं एनोड्स होते हैं, जो कि इसे फोर्स करते हैं, मदद करते हैं कि ये क्या करे शार्पली एक बीम को जेनरेट कर सके। नेक्स्ट है आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट्स,
यही जो हमने पढ़ा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या हो गया आपका एक्स, और वर्टिकल मतलब क्या हो गया आपका वाई। यानी ये जो डिफ्लेक्ट प्लेट्स हैं ये क्या करते हैं स्टूडेंट, ये यूज किए जाते हैं टू गाइड द पार्ट ऑफ पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन द बीम, है ना, इलेक्ट्रॉन बीम के पाथ को गाइड करने के लिए। द प्लेट्स प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दैट बेंड्स द इलेक्ट्रॉन बीम थ्रू द एरियाज एट इज ट्रेवल। ये प्लेट्स क्या करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर देते हैं उस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में इसे जाना होता है। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका क्या, फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन। अब ये फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन क्या है, ये जो आपका है स्टूडेंट ये डिस्प्ले, ये क्या है आपका फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन है। और जब इलेक्ट्रॉन्स इसमें फॉस्फोरस के पास, हमने यहाँ पे पढ़ा था, देखिए मैं आपको बताऊं यहाँ पे क्या लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन फॉस्फोरस को हीट करता है तो वो क्या होता है लाइट अप हो जाता है। क्या होता है ये आपका लाइट अप हो जाता है, और इस प्रकार से आपको कोई भी चीज डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो वो फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन क्या होता है, ये फॉस्फोरस से कोटेड होता है जो कि क्या करता है यूज होता है इसका प्रोड्यूस ब्राइट स्पॉट्स व्हेन द हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम्स हिट्स इट। जब कोई हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम इसे हिट करता है तो ये क्या करता है लाइट को प्रोड्यूस करता है, ये ब्राइट होता है, ये क्या करता है ब्राइट करता है, चमकता है। तो आई होप आप लोगों को कैथोड रे ट्यूब का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से मैं बता दे रहा हूं, यहां से देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, अगर मैं इसे इरेज करूं, देखिए कॉन्सेप्ट क्या था एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसे समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा गया है, एक दो बार नहीं ये काफी बार पूछा गया। तो चलिए हम लोग फिर से समझते हैं, इलेक्ट्रॉन गन से क्या हो रहा है स्टूडेंट, काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स फायर हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर मूव करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है इसे फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन की ओर मूव कराना है। तो यहाँ पे फोकसिंग इनवर्ड लगे हुए रहते हैं जो कि क्या करते हैं इसे फोर्स करते हैं कि ये क्या करे इस तरफ ही फोकस करे फॉस्फोरस स्क्रीन की ओर, यानी अगर ये इधर भी जाए तो वापस इधर चलाए। तो ये इलेक्ट्रॉन चलिए वापस पड़ गया, यहाँ पे वाई डिफ्लेक्ट और एक्स डिफ्लेक्ट लगे हुए रहते हैं, प्लेट लगे हुए रहते हैं। y x डिफ्लेक्ट आपका क्या करता है, x डिफ्लेक्ट और y डिफ्लेक्ट दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है इस प्रकार से कि जो भी आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसे x डायरेक्शन में किधर मूव करना है, यानी x डायरेक्शन में या तो ये इधर मूव करेगा या इधर मूव करेगा, y डायरेक्शन में किधर मूव करना है या तो टॉप में या तो बॉटम में। तो अगर मान लिया जाए मुझे जैसे यहाँ पे कोई मुझे एक पिक्सल है या मुझे इस एरिया को ब्राइट करना है, तो बताइए जो इलेक्ट्रॉन बीम होगा वो कैसे आएगा, वो आ रहा है मेरा इलेक्ट्रॉन बीम, उसे एक्स डिफ्लेक्ट क्या करेगा, एक्स डिफ्लेक्ट उसे राइट साइड में यानी कि इस साइड में इसे क्या करेगा थोड़ा सा मूव कर देगा। तो एक्स डिफ्लेक्ट ये जो आपका है एक्स डिफ्लेक्ट आपको जो दिख रहा है ये क्या करेगा थोड़ा सा राइट में मूव कर दिया, अब ये क्या है थोड़ा सा राइट में आ रहा है। ठीक है, अब इसे क्या करना है मुझे टॉप में भेजना है, वाई डिफ्लेक्ट ने क्या किया इसे थोड़ा सा टॉप में मूव कर दिया वर्टिकली, अब ये आपका क्या होने लगा टॉप में आने लगा, और कुछ यहाँ पे इसने क्या किया इसे फायर किया इलेक्ट्रॉन बीम को, तो ये एरिया आपका क्या होगा स्टूडेंट ब्राइट हो जाएगा। आ गई कॉन्सेप्ट समझने, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा आई होप। तो ये था आपका कैथोड रे ट्यूब क्या होता है, किस प्रकार से कैथोड रे ट्यूब आपका इंटरनली मैकेनिज्म क्या होता है वर्क करता है आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट उसमें हम लोग समझेंगे क्या रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन मॉनिटर्स को, जो कि सीआरटी का ही टेक्निक्स है, सीआरटी जो स्टूडेंट वो दो टेक्निक्स पे वर्क करता है, इन दोनों को हम लोग समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।